नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12, जिसमें रूट के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक है 4, इसको ले लेते हैं कॉमन। तो शेष बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 4x प्लस में 1 बटे 4, जिसमें जो 4 है कॉन्स्टेंट, इसमें एक्स स्क्वायर का x माइनस 5 बटे 4 में यदि बटे में 2 और लगा दें तो 5 बटे 8 इसका होल स्क्वायर, माइनस इसका वर्ग आएगा 25 बटे 64 और प्लस में आगे चल रहा है 1 बटे 4। इसको हल करें तो 4 गुणा में x माइनस 5 बटे 8 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा 64, जिसमें इस स्टेप को लिख लेंगे पहले, तो प्लस ये 64 यहाँ पर आएगा 16 और माइनस 25, 4 गुणा में x माइनस 5 बटे 8 का स्क्वायर, 16 में से 25 जाएगा तो माइनस 9, तो बन जाएगा माइनस यहाँ पर गुणा होके, तो 9 बटे 64 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 8 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम इस पार्ट की जगह ये वाला मान यूज़ करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे में 4 एक्स माइनस 5 बटे 8 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 8 का होल स्क्वायर विद इन दी रूट और dx, जिसमें से ये वाला 4 यदि मैं बार शिफ्ट करूँ तो रूट से 12 के बन जाएगा 1 बटे 2। इंटीग्रेशन 1 बटे में x माइनस 5 बटे 8 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 8 का स्क्वायर विद इन दी रूट और dx। अब हमारा ये वाला पार्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के रूट के इंटीग्रेशन के जैसा है, जिसका आंसर होता है लॉग एक्स प्लस सेम रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 1 बटे 2 बाहर है लॉग एक्स के स्थान पर हमारे पास है एक्स माइनस 5 बटे 8 और प्लस में आएगा सेम रूट, सेम रूट का मतलब है इससे, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा x माइनस 5 बटे 8 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 8 का होल स्क्वायर विद इन दी रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको थोड़ा और हल करें तो 1 बटे 2 लॉग x माइनस 5 बटे 8 तक तो सेम, इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x बटे 4 प्लस 25 बटे में 64 और माइनस में आएगा 9 बटे 64 विद इन दी रूट कोष्टक बंद प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल 1 बटे 2 लॉग x माइनस 5 बटे 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटे 4, इसको हल करूं तो बन जाएगा 16 बटे 64 विद इन द रूट, जो कि ये वाला पद कैंसिल करने के बाद बन जाएगा 1 बटे 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से इसको पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में व्यक्त करेंगे। हमारे पास है 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, जिसको पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाएं तो माइनस को बाहर रखते हुए इन दो स्टेप पर फोकस करें, तो एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक है माइनस 5, तो लिख देंगे माइनस 5 बटे 2 का स्क्वायर माइनस इस पद का वर्ग बन जाएगा 25 बटे में 4 और आगे चल रहा है प्लस का 6, जिसको थोड़ा और हल करें तो माइनस बाहर x माइनस 5 बटे 2 का स्क्वायर, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस 1 बटे 4, तो माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम इस माइनस का गुणा यदि अंदर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बटे 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले पद के स्थान पर ये वाला मान यूज़ करेंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन 1 बटे 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बटे 2 के स्क्वायर का रूट और dx, जो कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के जैसा है, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस इंटीग्रेशन को यूज़ करें तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 5 बटे 2
बटे में ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो कि सॉल्व होकर बन सकता है साइन इनवर्स। यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा 2 और यहाँ पर ऑलरेडी एलसीएम है 2, तो बन जाएगा 2x माइनस 5 बटे में 1, बटे वाले 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास रूट के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, जिसको पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाने के लिए हम इन दो स्टेप पर फोकस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स, यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है तो लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/4, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी चल रहा है माइनस 1। जिसको हल करें तो माइनस बाहर एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5/4, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 5/2 का होल स्क्वायर। इस माइनस का गुणा यदि अंदर करें तो हमें प्राप्त होगा रूट 5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, जिसको हम इसके स्थान पर यूज़ करें तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/√5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर विद इन द रूट और dx, जो कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के जैसा है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जिसमें अंश और हर के एलसीएम बन सकते हैं 2, जो कि कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में आंसर बचेगा साइन इनवर्स 2x प्लस 1 बटे में रूट 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास रूट के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको हम पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में व्यक्त करते हैं, और उसके लिए हम एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 2 ले लेते हैं कॉमन, तो शेष हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x और माइनस में 2, जिसको और आगे हल करें तो माइनस 2 बाहर, इन दो स्टेप पर फोकस करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर से एक्स, इसका हाफ कर दें तो मिल जाएगा 3/4 स्क्वायर, माइनस इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 9/16, और क्वेश्चन में ऑलरेडी चल रहा है माइनस 2। इसको और यदि हल किया जाए तो माइनस 2 एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर, इसको हल करें तो आएगा माइनस 41/16। इस माइनस का गुणा हम लोग अंदर करेंगे तो हमारे पास बाहर बचेगा 2, अंदर आ जाएगा ये वाला पद पहले, और इसको भी हम लिखेंगे रूट 41/4 का होल स्क्वायर। फिर ये वाला स्टेप लिख देते हैं माइनस लगा के, तो एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू की जगह हम ये वाला मान यूज़ करेंगे, जिसमें 2 की वजह से यहाँ पर रूट 2 कॉन्स्टेंट आएगा, इसको कर देंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो आई बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√41/4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर विद इन द रूट और dx, जो कि पुनः 1/a² - x² का रूट है, जिसका इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं। इसका आंसर बनेगा बाहर 1/√2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी 1/√2, यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा 4, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल करने के बाद हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स 4x - 3 और बटे में रूट 41 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास अंश में एक घातीय पद है और बटे में है 1/2 का व्यंजक, तो ये इस रूप के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग अंश एक्स प्लस 2 को मान लेते हैं ए गुणा में द्विघाती पद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट बी, जिसको और आगे हल करें तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल होगा कैपिटल ए इंटू 2x माइनस 2 प्लस बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको और यदि हल किया जाए तो एक्स प्लस 2 इक्वल आएगा 2ax प्लस माइनस 2a प्लस बी, जिसमें समान गुणांकों से हमें
पहले x का गुणांक लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक 1, राइट हैंड साइड में है 2a। इस आधार पर हमें a का मान प्राप्त होगा 1/2। अब बात करते हैं अचर पद की। तो अचर पद में लेफ्ट हैंड साइड में है 2, राइट हैंड साइड में है -2a+b, जिससे हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा 3। ये मान हम समीकरण एक में यूज़ करें तो, और हम इसको यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन में, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा जिसको हम नेक्स्ट दो पार्ट में बांट लेंगे। अब फर्स्ट पार्ट को एक बार लिख देते हैं सेम, और इस पार्ट में बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक, जिसके लिए आएगा 1/2। इन दो स्टेप पर फोकस करें तो x-1 का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा 1 का स्क्वायर यानी 1, जिसको हटाने के लिए लिखेंगे -1 और आगे चल रहा है +4 विद इन द रूट और dx। फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे सेम, दूसरे स्टेप में 1/2 x-1 का स्क्वायर, यहाँ पर इनको हल करने पर बनेगा 3, जिसको लिख देंगे √3 का स्क्वायर, और ये सारा मान है विद इन द रूट। अब इसमें इस पद का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए हम लोग x²-2x+4 को मान लेंगे t², जिससे इसका अवकलन बन जाएगा 2x-2 dx = 2t/dt। और इस स्टेप में यह है 1/x²+a² के रूट का इंटीग्रेशन। इस आधार पर हमें i का मान मिलेगा ऊपर 1/2, और ऊपर वाले जो स्टेप है उसके स्थान पर मिल जाएगा 2t dt, और नीचे आ जाएगा t² का रूट प्लस 3 गुना में इंटीग्रेशन का आंसर आएगा log x, जो कि है x-1, और साथ में आएगा सेम रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको हल करें तो ये वाले पद तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा t प्लस 3 गुना में log, इस पूरे पद को लिख देते हैं सेम, तो बन जाएगा x-1। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x²-2x, और प्लस में आ जाएगा 4 विद इन द रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। टी का मान यदि रख दें वापस तो वह है x²-2x+4 का रूट, और ये वाली वैल्यू सेम प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के जैसे ही अंश में px+q मौजूद है, तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए px+q यानी अंश को मानने वाले हैं a गुणा में द्विघात व्यंजक, जो कि है x²-x+1 और प्लस में कॉन्स्टेंट b, जिसको आगे हल करें तो x+1 a गुणा में आएगा 2x-1 प्लस में बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको और यदि हल किया जाए तो x+1 = 2ax±a+b। अब यदि हम x का गुणांक लें तो लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक आएगा 1, राइट हैंड साइड में x का गुणांक आएगा 2a। इस आधार पर a का मान हमें प्राप्त होगा 1/2। इसके बाद हम लेंगे अचर पद। अचर पद में लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में है -a+b। इस आधार पर कैपिटल B का मान आ जाएगा +3/2। ये मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, और इस मान को हम लोग जब i में यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये मिलेगा, जिसके हम फिर से बना लेते हैं दो पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट को नोट कर देते हैं एज इट इज, सेकेंड पार्ट में 3/2 बाहर है, और इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो 1/2 आएगा x² का x, x के गुणांक का हाफ करें तो 1/2, जिसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा 1/4, जिसको हटाने के लिए हम लगाएंगे -1/4, और आगे चल रहा है +1 विद इन द रूट और dx, जिसको यदि और आगे हल करें तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज, सेकेंड स्टेप में 3/2 बाहर है, इंटीग्रेशन dx/x-1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा +3/4, जिसको लिख देते हैं √3/2 का होल स्क्वायर विद इन द रूट।
अब इस पद में रूट वाले पद का अवकलन ऊपर है तो इसको मान लेंगे टी स्क्वायर, और इस स्टेप में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यह है 1/x² + a² के रूट का इंटीग्रेशन, जिसका सूत्र हम ऑलरेडी जानते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसको हल करने के लिए हमने x² - x+1 को मान लिया है टी स्क्वायर, जिसके अवकलन से हमें ये वाला मान मिलेगा। इस आधार पर आएगा i = 1/2 बाहर, ऊपर वाले पद के स्थान पर आ जाएगा 2t और dt, और बटे वाले पद के स्थान पर आ जाएगा टी स्क्वायर का रूट। नेक्स्ट है प्लस में 3/2, इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी log x, और x के स्थान पर x - 1/2। फिर आएगा प्लस में सेम रूट का मतलब ये, और ये पद बना है इससे और ये पद बना है इससे, तो यानी ओवरऑल हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x² - x+1 का रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल और t से t² का रूट कैंसिल, तो ओवरऑल बचेगा 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t प्लस 3/2 log, और ये वैल्यू सेम। नेक्स्ट स्टेप में t का मान रखते हैं तो आ जाएगा x² - x+1 का रूट और बाकी वैल्यू सेम, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से अंश में है px + q, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माना x + 3 = a गुणा में d/dx ऑफ x² + 2x + 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट b, जिसको हल करें तो x + 3 = आएगा a इंटू में 2x + 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट b। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको थोड़ा और हल करें तो x + 3 = आएगा 2ax + 2a + b। अब एक जैसे गुणांकों को लेते हैं, तो पहले हैं x का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक 1 है, राइट हैंड साइड में x का गुणांक है 2a। इस आधार पर a का मान हमें प्राप्त होगा 1/2। अब बात करते हैं अचर पदों की। लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद है 3, राइट हैंड साइड में अचर पद आ रहा है 2a + b। इस आधार पर b का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पर बन जाएगा 1, जिसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 - 1 बन जाएगा 2, जो कि b का मान होगा। ये a और b के मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, और इस मान को हम यूज़ कर लेंगे इंटीग्रेशन में। तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा i = जिसको हम नेक्स्ट दो पार्ट के अंदर बांट लेंगे। इसके बाद फर्स्ट स्टेप को लिख देंगे एज इट इज, सेकेंड स्टेप में 2 को बाहर रखते हुए हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग व्यंजक, जिसमें इन दो पदों पे ध्यान दें तो बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर, एक्स्ट्रा आएगा -1 और आगे चल रहा है +2 विद इन द रूट और dx। नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन करने से पहले इसको लिख देते हैं सेम, और दूसरे पार्ट को थोड़ा ठीक करके लिखें तो 2 1/x + 1 का स्क्वायर और आ जाएगा +1, यानी 1 का स्क्वायर विद इन द रूट। इसको हम लोग पूर्व की भांति हल करते हैं, तो हम लोग मान लेंगे लेट x² + 2x + 2 = t², जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2x + 2 dx = 2t dt। और इस पार्ट को हल करने के लिए हम लोग 1/x² + a² के रूट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास i का मान आएगा 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, ऊपर आएगा 2t dt और नीचे आएगा t² का रूट। दूसरे स्टेप में 2 log x + same root विद इन द रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट पार्ट में 2 से 2 कैंसिल, t² से t² का रूट कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन बनेगा t। सेकेंड ये वाला स्टेप एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान यदि हम लोग वापस रखें तो आएगा x² + 2x + 2 का रूट प्लस ये वाला मान एज इट इज, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।